बीजेपी बहुमत से दूर लेकिन बन सकती है एनडीए सरकार, योगेंद्र यादव की फाइनल भविष्यवाणी में चौंकाने वाला दावा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून 2024 को होने वाली है। इस बार बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनाव लड़ रही है। इस बीच राजनीतिक एक्सपर्ट और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने बीजेपी कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी इसे लेकर भविष्यवाणी किया है। एक यूट्यूबर चैनल से बातचीत के दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान होने वाला है। रामनगरी में गर्मी ने मचाई त्राही त्राही, अयोध्या में आसमान से बरसी आग तो श्रद्धालु हुए बेहाल। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के तहत मंदिर प्रबंधन ने छाया और ORS उपलब्ध कराने सहित कई व्यवस्थाएं की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वर्ष की शुरुआत में 22 जनवरी को भव्य नव्य मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और तब से देश भर से लाखों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। विभव कुमार 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में 18 मई को हुई थी गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। विभव कुमार को शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विभव कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की थी। विधायक ऋतु बनावत के ड्राइवर से पुलिस ने वेरिफिकेशन के नाम पर मांगी रिश्वत, अब धरने पर बैठ रखी है मांग। राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट से विधायक ऋतु बनावत का निजी ड्राइवर थाने में वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंचा था, जहां ड्राइवर से 200 रुपए रिश्वत मांगी गई और उसके साथ पुलिस कर्मी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। सूचना मिलने पर विधायक ऋतु बनावत थाने पहुंची और धरने पर बैठ गई। विधायक द्वारा दिए गए धरने को देखते हुए पुलिस कर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। हिमाचल के जंगलों में 1200 से ज्यादा आग की घटनाएं, 10,000 हेक्टेयर में 3 करोड़ की वन संपदा नष्ट। देश के साथ उत्तर भारत में भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। लगातार पड़ रही गर्मी और बढ़ते तापमान की वजह से जंगलों में भी आग लग रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अब तक 1,000 से ज्यादा आग की घटनाएं रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए में कितनी सीटों का फर्क, एमपी कांग्रेस के आंकड़ों से मची सियासी खलबली। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने यहां 27 सीटों पर किस्मत आजमाई। 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव का संग्राम जारी है, आखिरी चरण के मतदान होना शेष है, जिसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जून की शाम 6 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर इशारों में लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे बताया है। पूर्वोत्तर में बारिश बनी आफत, दिल्ली यूपी बिहार में हीट वेव से हाहाकार, जाने यहां कब होगी बारिश। जहां एक तरफ देश के बाकी हिस्सों में लू और गर्म हवाएं चल रही हैं, वहीं उत्तर पूर्व भारत में पानी ने तबाही मचाई हुई है और आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद कम ही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में देश के पूर्वोत्तर राज्य असम और मेघालय में भारी बारिश होने की बहुत संभावना जताई है। IMD के अनुसार मानसून केरल में दस्तक देने जा रहा है। ऐसे में अरब सागर और हिंद महासागर में मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। प्रज्वल रेवन्ना का होगा पोटेंसी टेस्ट, SIT कराएगी जांच, सूत्रों का दावा। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी निलंबित JTS नेता प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक पुलिस की SIT ने उन्हें कैंप गोर्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना की वीडियो की जांच के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से गठित SIT प्रज्वल का पोटेंसी टेस्ट कराने की योजना बना रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम पर महिलाओं से मारपीट का आरोप, घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग का एक बार फिर विवादित मामला सामने आया है। शालिग्राम गर्ग ने तिवारी परिवार के घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की। शालिग्राम गर्ग ने महिलाओं से मारपीट की है। मारपीट के दौरान बच्चे चीख पुकार करते नजर आ रहे हैं। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शालिग्राम अपने सहयोगियों के साथ पीड़ित परिवार के यहां लाठी डंडे लेकर पहुंचा था। कभी नहीं सोचा था अमेरिका में क्रिकेट की एंट्री पर क्या है विराट कोहली के विचार। विराट कोहली मॉडर्न क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक है। यह एक फैक्ट है कि कोहली ने दुनिया भर में क्रिकेट की खेल को पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया है। अब T20 वर्ल्ड कप पहली बार USA में होने जा रहा है, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में एक अलग सा उत्साह है। मगर कई बड़े सवाल भी हैं कि क्या अमेरिका में वर्ल्ड कप करवाने का प्रयोग सफल होगा। इस विषय पर खुद विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी तरीके का क्रिकेट खेला जा सकेगा।